रविकांत जी आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और सीधा प्रशांत टंडन जी। राजीव जी, जो आपने टाइटल दिया सेल्फ गोल, तो मैं बताता हूं कि बीजेपी का सेल्फ गोल ये कैसे है और आगे की पॉलिटिक्स कैसे होगी, लेकिन थोड़ा सा उसकी पृष्ठभूमि पर जाना बहुत आवश्यक है। महाराष्ट्र की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, तो मैं शुरुआत करता हूं एनसीपी से। देखिए, एनसीपी शरद पवार जी के बारे में ये कहा जाता था कि साहब वो जो 50 एमपी जेब में रखते हैं, फिर वो जब निकले बाहर तो उनके साथ संगमा और तारिक अनवर गए, तो ये तो उनकी हकीकत थी। तो पवार साहब की जो पॉलिटिक्स है, वो जैसा वो खुद कई बार कहते हैं कि गुगली पे ज़्यादा विश्वास है उनका और एक्चुअल पॉलिटिक्स में विश्वास कम है, दिखता नहीं है। अब देखिए क्यों ऐसा उनके साथ हुआ ये, और क्षेत्रीय पार्टियों की ये दशा होती क्यों है। 1999 में एनसीपी बनी है और तब से लेकर अब तक लगभग पूरे अपने जीवन काल में वो सत्ता के इर्द गिर्द ही रहे हैं। वो महाराष्ट्र की कांग्रेस की सरकार के साथ हो गए, 2004 में जब केंद्र में सरकार आई यूपीए की तो वहां साथ हो गए। तो विपक्ष में रहने की का स्टैमिना जो है वो क्षेत्रीय पार्टियों को बनाना पड़ेगा, वो उनके अंदर नहीं है। और उसका कारण क्या है कि कार्यकर्ताओं से इंगेजमेंट नहीं है। राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं वो कार्यकर्ताओं से इंगेज कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को अगर अपनी राजनीति के, अपनी पार्टी के आदर्शों पे, उसकी आइडियोलॉजी के इर्द गिर्द आप मोबिलाइज करेंगे, तो नेताओं पे दबाव रहता है कि आज अगर छोड़ के जाएंगे तो कार्यकर्ता जूते मारेगा। कार्यकर्ताओं से सब डरते हैं। मैं आपके प्रोग्राम में अभी कह सकता हूं ये बात कि अगर राहुल गांधी के साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता ना हो तो कांग्रेस में तो आज भी ऐसे ऐसे लोग बैठे शकील अख्तर जी जानते हैं कि वो राहुल गांधी को भी क्या करेंगे। वो हम देखते रहे कि किस तरह G23 था और क्या था। तो वैचारिक रूप से मोबिलाइज करने का काम विपक्ष की पार्टी को, विपक्ष की राजनीति करना आना चाहिए। महाराष्ट्र में लिंचिंग हो रही है, आप बताइए कि एनसीपी सेकुलर पार्टी है, क्या बयान आया कोई, क्या प्रदर्शन हुए, दलितों के साथ मारपीटें होती, क्या कुछ हुआ? तो केवल आप गुगली फेंकेंगे तो उससे काम चलता नहीं, बैटिंग भी करनी पड़ती है, रन बनाने पड़ते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि विपक्षी जो क्षेत्रीय दल हैं उनके सामने बड़ी चुनौती है कि विपक्ष में रहकर सर्वाइव करना। लालू प्रसाद यादव इसको जानते हैं, बहुत से नेता नहीं जानते हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ एक एडवांटेज यह है कि अगर केंद्र में वो सत्ता के बाहर है तो छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, हिमाचल में, कर्नाटक में, झारखंड और तमिलनाडु में उसकी सरकारें अपनी या गठबंधन के साथ हैं, तो एक सिस्टम चल रहा है कहीं ना कहीं सत्ता के साथ, सत्ता में होने का आभास। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि विपक्षी पार्टियां अब कम से कम राजनीति करना शुरू करें, सड़क पे उतर के कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करें। अब शिवसेना का समझिए क्यों सेल्फ गोल है। शिवसेना महाराष्ट्र में राजीव जी अकेली पार्टी है कि आज भी उद्धव ठाकरे अगर ये कहें कि मैं फलां रैली करूंगा, पूरे महाराष्ट्र से शिवसैनिक अपना पैसा खर्च करके अपने झंडे बैनर लेकर बस में बैठकर आएगा मुंबई तक। किसी और पार्टी में ये बात नहीं है। उनको बसें लगानी पड़ेंगी, उनको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जेब ढीली करनी पड़ेगी, तब रैली होगी। 19 जून को दो रैलियां हुई हैं मुंबई में दोनों शिवसेनाओं की, और फर्क देख लीजिए। शिवसेना एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के बाहर से बुलाने पड़े लोग, उद्धव ठाकरे को नहीं बुलाने पड़े, क्योंकि उनका कार्यकर्ता मोबिलाइज है अपनी पार्टी की विचारधारा से। अब जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स उभर रही है, अब शरद पवार को ये करना चाहिए, बजाय MLAs को और अजीत पवार की क्या पॉलिटिक्स है और बीजेपी क्या कर रही है और वो नई गुगली फेंकने की तैयारी करें,
उनको कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करना चाहिए। याद कीजिए कि जब इनको ईडी ने बुलाया था और पवार ने कहा कि हम 1,00,000 लोगों के साथ ईडी के दफ्तर जाएंगे, कैंसिल हो गया नोटिस। ये कार्यकर्ताओं का ताकत होती है, ये जनता की ताकत होती है, इसको इसको महसूस करना चाहिए। तो ये अब महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में क्या होगा कि जो ये उथल पुथल मची है इसमें, क्योंकि शिवसेना के पास एक स्ट्रक्चर है पार्टी का, क्योंकि उसका कार्यकर्ता मोटिवेटेड है, वो अपने पैसे खर्च करके अपनी पार्टी के कार्यक्रम में आता है, शिवसेना को ही एडवांटेज होगा। और दूसरा एडवांटेज इसमें जो कि सेकुलर खेमा डिसल्यूजन होगा वो होगा एनसीपी का, वो कांग्रेस की तरफ जो है वो फायदा होगा, कांग्रेस की तरफ जो है वो होगा, लेकिन कांग्रेस को उसके लिए काम करना पड़ेगा। दूसरे की कांग्रेस को महाराष्ट्र के डैशबोर्ड को एक बार नए सिरे से देखना होगा। आप देखिए कि शिवसेना बार बार अपनी तरफ से कांग्रेस के साथ नजदीकी दिखाने का प्रयास कर रही है। ठाकरे परिवार के लोग शामिल हुए भारत जोड़ो यात्रा में भी। आप देखिए संजय राउत का बयान सबसे पहले आता है, राहुल गांधी के ऊपर अगर कोई हमला होता है तो मोदी सरकार की तरफ से। तो अब कांग्रेस को ये देखना चाहिए वर्कर लेवल पे कि वो जो शिवसेना अब नई शिवसेना है, अब ये बाल ठाकरे की शिवसेना नहीं है, तो उनको इस हैंगओवर से निकल कर शिवसेना को नए ढंग से डील करना चाहिए। मुझे लगता है कि एनसीपी और शिवसेना के बीच में अगर चुनाव करना हो तो शिवसेना से ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग उनको बनानी चाहिए कांग्रेस को महाराष्ट्र के लिए। तो ये नए सिरे से ये बॉन्डिंग करनी पड़ेगी। और विपक्षी पार्टियां चाहे उत्तर प्रदेश की हो, आप देखिए अजीत अभी आप खबर बता रहे थे जयंत चौधरी की, क्यों अजीत चौधरी अजीत सिंह बार बार सरकारें में दल बदलते थे और सरकार के साथ रहते थे पार्टी बचाने के लिए। सत्ता में रहना इन पार्टियों के लिए आवश्यक है, इनको विपक्ष की राजनीति करने का स्टैमिना बनाना होगा, वरना ये पार्टियां टूटती रहेंगी और इसी तरीके का खेल बीजेपी आसानी से करती रहेगी। जो बयानबाजियां हो रही वो साइकोलॉजिकल वॉर गेम है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टियां भी जानती हैं। राजीव जी, जी बिल्कुल, बयानबाजियां साइकोलॉजिकल कहें तो माइंड गेम है और इसको तमाम दल जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आप कह रहे हैं कि आपको अपनी पार्टी बचाना है तो आपको सत्ता में रहना होगा, ये काम अजीत सिंह करते थे और ऐसे ही कई नेता करते थे और आज भी वही कर रहे हैं। क्या सत्ता में रह करके ही आप पार्टी बचा सकते हैं या आप जनता के बीच रह करके और अपनी बातों पे अडिग रह करके भी? मुझे उभरता हुआ दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र में, और वो तूफान है जब स्पीकर को 16 विधायकों का फैसला लेना पड़ेगा। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को कहा कि आप फैसला लें इस पे। डिप्टी स्पीकर ऑलरेडी इनको नोटिस डिस्क्वालिफिकेशन का दे चुके हैं अब, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि विद इन रीजनेबल टाइम। अब विद इन रीजनेबल टाइम 2024 नहीं होगा, विद इन रीजनेबल टाइम कुछ हफ्ते या कुछ एक दो महीने हो सकता है। तो मुझे लगता है कि स्पीकर उस फैसले की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी शायद भनक होगी या जिसका अंदाज लग गया होगा और ये अचानक ये किया गया महाराष्ट्र में। तो अब स्पीकर जिस भी दिन फैसला लेंगे 16 लोगों के डिस्क्वालिफिकेशन पे, तो एक नया उभार आएगा वहाँ पे। और एक बात मैं और बहुत साफ कर दूँ, तमिलनाडु का नज़ीर है, कुछ और नज़ीर भी हैं नॉर्थ ईस्ट की, सुप्रीम कोर्ट स्पीकर का फैसले को भी अगर चैलेंज होता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास उस फैसले की भी जुडिशियल रिव्यू की नज़ीर है। तो ये एक तूफान अभी उठ रहा है वहाँ पे, और ये जिस भी दिन आएगा उस दिन आप देखिएगा कि शिंदे साहब, एकनाथ शिंदे साहब की स्थिति क्या होगी। इसलिए मैंने कहा था जो सेल्फ गोल है कि वहाँ पे शिवसेना और कांग्रेस ये दो पार्टियाँ
जिनको फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा मुझे, वो नजर आ रही हैं। और दूसरी बात ये कि देखिए, जो इसका मैसेज विपक्षी एकता में जा रहा है, खासकर क्षेत्रीय पार्टियों में, तो क्षेत्रीय पार्टियों की और बेंगलोर में जब हम देखेंगे, वो बॉन्डिंग और स्ट्रांग होने जा रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि अब बच नहीं पाएंगे। वो उन्होंने नजीर पेश कर दी शिवसेना को और एनसीपी को तोड़कर कि उन सब की पार्टियां अब वल्नरेबल हैं, मतलब खतरे पर हैं। वो सब अपने विधायकों से, सांसदों से बैठके करना चालू कर दिया है। आप देखिएगा पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए आप देखिएगा अगले कुछ एक महीने में, एक आध महीने में विपक्षी एकता का बहुत डेफिनेट एक शेप बेंगलोर या उसके बाद हमको दिखाई देने लगेगा, इस जो मुंबई में हुआ उसके असर की वजह से। मुंबई का